खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष रेणु कछवाहा ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष रेणु कछवाहा ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि पतित पावनी मां नर्मदा पर गंदे नाले का जल आकर मिल रहा है, जिससे मां का पवित्र जल दूषित हो रहा है। जिला प्रशासन तत्काल इन गंदे नालों का पानी मां नर्मदा पर प्रवाहित होने से रोके। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। विषय ये है कि हमारे मंडला में जो हमारी मां नर्मदा प्रवाह हो रही हैं, बह रही हैं, उसमें ऐसे तो 16 और 17 नाला करीब यहाँ पर मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार पहले भी बहुत बार ज्ञापन दे चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई हम लोग को सार्थक मतलब परिणाम नहीं मिल पाया है। और आज इसी दौर पर हम लोगों ने जो अभी रक्ता पुल में एसपी मंडला के पीछे जो नाला प्रवाहित हो रहा है, प्रदूषित नाला प्रवाहित हो रहा है, उसको बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें हमारी कलेक्टर महोदय एवं प्रशासन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें और उस नाला को बंद करें, और भी ऐसे जो अन्य नाले जो मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं उसको भी बंद करने का प्रयास किया जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।